हाँ जी, 10th क्लास बेटा हुण आपां स्टार्ट करन जा रहे हाँ एक्सरसाइज 6.4। तो 6.4 एक्सरसाइज दे विच मेन आपां सिमिलैरिटी थ्यूरम जिहड़ी आ उह यूज़ करांगे। तो थ्यूरम की कहती है, रिजल्ट सब ने अच्छे तरीके दे नाल समझ लेना है ना कि एक्सरसाइज दे विच अप्लाई करन वेले कोई प्रॉब्लम ना होवे। जिहड़ी भी आपां सिमिलैरिटी थ्यूरम यूज़ करनी है उहदे विच की है कि आपां नूं दो ट्रीएंगल्स गिवन होणगियां। मन लो कोई भी ट्रीएंगल है ए बी सी, तो दूसरी ट्रीएंगल असी कोई भी मान लैने पी क्यू आर। ये गिवन हो गया कि दोनों ट्रीएंगल्स की ने सिमिलर ने। सिमिलरिटी का कंसैप्ट आप बहुत अच्छे तरीके 6.3 समझ आए हैं। गिवन है कि दोनों ट्रीएंगल्स की ने सिमिलर ने। सिमिलर ने दैट मीनस ट्रीएंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रीएंगल पी क्यू आर के। अगर वो सिमिलर है दैट मीनस उन्होंने कोरसपोंडिंग साइड की रेशो की होगी सेम होगी। ए बी दे कोरसपोंडिंग की आजूगा साढ़े को पी क्यू, तो बी सी दे कोरसपोंडिंग अपने को आ रहा क्यू आर आ रहा, तो ए सी दे कोरसपोंडिंग की आजूगा अपने को पी आर। कि इन्हों की कोरसपोंडिंग साइड की रेशो की होंगी सेम आ, यानी कि सिमिलर गिवन आ। हुण आपां जिहड़ा रिजल्ट यूज़ करना ये यूज़ करना कि अगर दो ट्रीएंगल जिहड़ियां ने सिमिलर होण तां उन्हां दे एरिया की रेशो, एरिया ऑफ ट्रीएंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रीएंगल पी क्यू आर वो इक्वल किदे हुंदा आ, उन्हां दी कोरसपोंडिंग साइड दे स्केयर दे इक्वल। मतलब की याद रखना रिजल्ट मेन, अगर कोई दो ट्रीएंगल्स गिवन ने वो दोनों ट्रीएंगल्स अगर सिमिलर ने, बशर्ते दोनों ट्रीएंगल सिमिलर होनिया जरूरी ने, अगर वो सिमिलर ने तो उन्होंने कोरसपोंडिंग साइड यानी ए बी दे कोरसपोंड, आप ए बी सी लिखी है तो पहला ए बी साइड लिखा, ये कोरसपोंडिंग की आ रहा पी क्यू, यदा स्केयर इक्वल दूसरी कोरसपोंडिंग साइड की आ बी सी ओवर पी क्यू क्यू आर द स्केयर इक्वल ए सी ओवर पी ए सी दे कोरसपोंडिंग पी आर। तो जिहड़ी भी सानू कंडीशन चाहिए आपां यूज़ कर सकते हैं। बस इन्नी चीज़ याद रखनी है, अगर कोई दो ट्रीएंगल्स ने वह दोनों सिमिलर ने तो उन्होंने एरिए की रेशो कहते इक्वल होगी, उन्होंने कोरसपोंडिंग साइड की रेशो दे स्केयर दे इक्वल। तो इस रिजल्ट आप हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज से। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, लैट ट्रीएंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रीएंगल डी ई एफ। दो ट्रीएंगल दिखाई ने आप वैसे रफली ड्रॉ कर लें, ट्रीएंगल ए बी सी तो दूसरी ट्रीएंगल कि आपको गिवन है दैट इज़ डी ई एफ। ये दोनों ट्रीएंगल्स की ने सिमिलर ने एंड दे एरियाज़ भी रिस्पैक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्केयर 121 सेंटीमीटर स्केयर, दोनों के एरियाज आपको गिवन ने और आपको गिवन है नाल कि ई एफ साइड इन्नी हो तो फाइंड की करो बी सी। बस असी इस चीज़ में अप्लाई करेंगे क्योंकि सानू दिता है कि ट्रीएंगल सिमिलर ने एरिया भी गिवन है, तो असी कोरसपोंडिंग साइड की है इस रिजल्ट नू यूज़ करके निकाल लवेंगे। सो फस्ट ऑफ ऑल गिवन की आ ट्रीएंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रीएंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रीएंगल ए बी सी किन्ना गिवन है आपको 64 सेंटीमीटर स्केयर, तो एरिया ऑफ ट्रीएंगल डी ई एफ की गिवन है सानू 121 सेंटीमीटर स्केयर। सो आप कह सकते हैं बाय यूजिंग थ्यूरम, आप कह सकते हैं बाय यूजिंग थ्यूरम 6.6 कह लो या सिमिलर ट्रीएंगल्स बाय यूजिंग थ्यूरम सिमिलर ट्रीएंगल्स। सिमिलर ट्रीएंगल्स की थ्यूरम की कहती, एरिया ऑफ ट्रीएंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रीएंगल डी ई एफ इक्वल कहती होगी कोरसपोंडिंग साइड। हुण इत्थे केड़ी साइड की गल हुई है, ई एफ की, ई एफ की गल हुई है, आप डी ई एफ नीचे लई है तो ई एफ भी नीचे लवेंगे, तो ए बी सी आप उपर लई है तो ये कोरसपोंडिंग केड़ी साइड आ रही है बी सी आ रही है, ये स्केयर दे की होगा इक्वल राइट। हुण इहदा एरिया किन्ना साडे कोल 64, इहदा एरिया 121, तो बी सी, बी सी किन्ना गिवन है आपां नूं नहीं पता, बी सी आपां ने निकालना है, तो ई एफ किन्ना गिवन है 15.4 स्केयर हो रहा, दैट मीनस इहनूं असीं 2 टाइम लिख देवांगे राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या डेसीमल नूं पहला फ्रैक्शन च कर लैंदे आ, 121 आ गया बी सी स्केयर एज इट आ जूगा, आपां नूं पता है टर्म दा की हो जाना है रेसीप्रोकल 154 इंटू की आ गया 154। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी सी स्केयर की वैल्यू निकाल लेंगे 100 इंटू की आ गया अपने को 100। हाँ जी बेटा, जो आप सॉल्व करते हैं ओ डेसीमल नूं फ्रैक्शन च करांगे 100 ही रह जाना, बिकॉज एक डेसीमल तो बाद डिजिट है ना अपने को, दैट मीनस 100। हुण आपां इहनूं सॉल्व करदे हां 11 दे टेबल ते कैंसल कर देंगे, 11 11 सा 121,
ਅਤੇ 11 ones are 11, 11 fours are 44, ਅਗੇਨ ਇੱਧਰ ਵੀ 11 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, 14 ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 64 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 14 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 14 ਓਵਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100, ਇੱਧਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ। 64 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ? 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 into 8 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ 14 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, 14 8s are 112 ਓਵਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11.2 centimeter। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੀਐਂਗਲ ਸਿਮੀਲਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।